hello all learners welcome to my virtual classes i am assistant professor nancy gupta so in this lecture i will introduce you about the stability analysis from uh, pre-formulation studies unit 1 so keep watching सो नाओ एज यू नो कि हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस की डिटेल में स्टडी करेंगे तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में हमें कौन कौन से पैरामीटर्स बेसिकली पढ़ने हैं तो फर्स्ट इज योर सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी नेक्स्ट वन इज योर सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एंड देन इज योर कंपैटिबिलिटी तो इन पैरामीटर के बेस्ड हम लोग आज स्टडी करेंगे प्री फॉर्मलेशन स्टडी के अंडर तो अब हम द क्वेश्चन इज दैट वॉट इज स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी का मतलब सब सिंपल वे में अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले तो ये पता हो रहा है कि किसी भी ड्रग या किसी भी डोसेज फॉर्म को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसकी स्टेबिलिटी उसके शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करना पता लगाना होता है स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होती है द फिज़िकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल थेरापिटिकल टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ड्रग इज़ रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम एज पर बिगनिंग मतलब कोई भी अगर हम ड्रग या किसी भी ड्रग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो उनके फिजिकल कैमिकल माइक्रोबाइलॉजिकल थेरापिटिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम एज इट इज़ रहनी चाहिए और कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए जब हमने बनाया हो तब और जब उसको हम स्टोर कर रहे हो तब तक मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग तक ऑल सारे पैरामीटर्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए और उसके किसी भी प्रॉपर्टी में वेरिएशन या किसी भी टाइप के फिजिकल अपीयरेंस केमिकल में डिग्रेडेशन किसी भी टाइप का माइक्रोबियल अटैक या थेरापेटिक इफेक्ट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए डेट इज़ द स्टेबिलिटी इन एक्चुअल सेंस सो नाउ द क्वेश्चन इज वॉट इज स्टेबिलिटी एनालिसिस अभी हमने जाना था वर्ड स्टेबिलिटी का मतलब क्या है अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या है तो अब हम द क्वेश्चन इज वाई वी डू स्टेबिलिटी एनालिसिस तो इस बेसिकली हम इसलिए स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं और एनालाइज करते हैं किसी भी ड्रग की या किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टीज की किसी भी एक्सीपियंस की किसी भी डोसेज फॉर्म की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करने से हमें उसका एविडेंस और इट प्रोवाइड अ एविडेंस ऑन हाउ द क्वांटिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट वेरीज विद टाइम अगर हम किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को स्टोर कर देते हैं तो उसके ड्रग प्रोडक्ट में अगर कोई वेरिएशन आता है तो इससे हमें एविडेंस मिल जाता है और एक प्रोटोकॉल पता चल जाता है कि अंडर सर्टेन सर्कम क्या इम्पैक्ट आएगा किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पे तो ये इन्फ्लुएंस होती है मतलब स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है बाय वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को में वेरिएशन कॉज कर सकते हैं तो फर्स्ट इज योर टेम्परेचर नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमिडिटी एंड देन इज योर लाइट नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस्टेब्लिश आ रीसेट पीरियड फॉर ड्रग सब्सटेंस इससे क्या पता चल जाता है किसी भी ड्रग सब्सटेंस का रीटेस्ट पीरियड मतलब कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है इसके बारे में हमें प्री एनालाइज़ हो जाता है अगर हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर लेते हैं तो इसी के बेसिस पे किसी भी ड्रग की एक्सपायरी डेट मैंशन की जाती है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट पर नेक्स्ट इज बिकॉज फ़िजिकल एंड केमिकल एंड माइक्रोबिकल चेंजेस माइट इम्पैक्ट ऑन द इफ़ेंसी मतलब अगर फिजिकल केमिकल और माइक्रो बायोलॉजिकल में एक्टिविटी या फिर प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं तो वो उसकी इफ़िशियंसी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं और फाइनल प्रोडक्ट पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है तो दिस इज अबाउट द वाई वी डू स्टेबिलिटी स्टडी सो नाउ द क्वेश्चन इज वेयर एंड वाई मतलब अगर हम स्टेबिलिटी स्टडी की आज यहाँ पे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं तो द क्वेश्चन इज वेयर एंड वाई वी डू स्टेबिलिटी स्टडी तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए किस पे हम करते हैं कौन स्टेबिलिटी स्टडी जो हम कर रहे हैं बेसिकली किस चीज़ पे करते हैं किस पे परफॉर्म करने वाले हैं तो हम लोग ड्रग सब्सटेंस पे एंड ड्रग प्रोडक्ट पे करते हैं ड्रग सब्सटेंस का मतलब है कि हम जो भी रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं एक्सीपी यूज कर रहे हैं वेरियंट टाइप ऑफ एंड अदर जो एजेंट्स का यूज कर रहे हैं फॉर प्रिपेयरिंग यानी डोसेज फॉर्म तो उसमें में हम उस ड्रग सब्सटेंस पे हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं नेक्स्ट इज योर ड्रग प्रोडक्ट पे मतलब जो प्रोडक्ट बन जाता है फॉर्मुलेट हो जाता है और उसमें रिक्वायर्ड जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उन पे हम टेस्टिंग करते हैं तो दिस इज अबाउट द वेयर एंड व्हाई वी डू प्री फॉर्मूलेशन स्टडी सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी तो अगर हम कोई भी लिक्विड डोसेज फॉर्म या या फिर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई या फिर ये मस्ट है कि हम स्टेबल सॉल्यूशन बनाएं या फिर जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने वाले हैं इट शुड बी स्टेबल और स्टेबल सॉल्यूशन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं अगर हम सॉलिड स्टेट से कंपेयर करने वाले हैं लिक्विड स्टेट की तो लिक्विड स्टेट में हम इजिली डिटेक्ट कर लेते हैं उसकी किसी भी टाइप की इनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कंडीशन को नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अनोन लिक्विड इनकम्पेटिबिलिटी द प्रोग्राम सेटअप इज सेम एज सॉलिड डोसेज फॉर्म अगर कोई भी अनोन लिक्विड में इनकमपैटेबिलिटी है और उसको एनालाइज करना है उसकी स्टेबिलिटी को एनालाइज करना है तो उसके लिए जो हम प्रोग्राम और जो मेथड सेट करते हैं वो सेम लाइक सॉलिड डोसेज फॉर्म के सिमिलर uh, होता है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ गाइडलाइन है अकॉर्डिंग टू एफडीए एफडीए ने कुछ स्टेटमेंट दिए है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम इवेलुएट करने के लिए सस्पेंशन और सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं तो उसको नेक्स्ट है उसकी कंडीशन विच इज एसिडिक और एल्क्लाइन पी एच नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एडेड सब्सटेंस चिलेटिंग एजेंट स्टेबलाइजर्स नेक्स्ट है हाई ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटमोसफियर नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन तो पर्टिकुलरली कुछ ये फैक्टर्स हैं कुछ कंडीशंस हैं ये हमें इवालुएट करनी होंगी तो और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ इन्वामेंटल फैक्टर हैं जो फिर जो किसी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म को या फिर सोल्यूशन या सस्पेंशन की बात करते हैं तो वो इम्पैक्ट और इफेक्ट करेंगे तो अब हम मेथडोलॉजी देख लेते हैं कैसे हमें प्रोसीड करना है सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी को तो हमें क्या करना है प्लेस द ड्रग इन द सॉल्यूशन ऑफ एडिटिव्स फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में हमें करना है हमें इसको स्टोर करने के लिए बेसिकली फ्लिंट एंड एम्बर वाइल्स का यूज़ करना है जिसमें हम अपने सॉल्यूशन को पुट करने वाले हैं नेक्स्ट है ऑटोक्लेव कंडीशन प्रोवाइड करनी है इस कंडीशन में और इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द ऑक्सीडेशन लाइट एक्सपोजर एंड हैवी मेटल्स के बारे में नेक्स्ट इन केस ऑफ ओरल लिक्विड कंपेटिबिलिटी विद इथेनॉल ग्लीसरीन सुक्रोस प्रिजर्वेटिव एंड बफर्स को बेसिकली हम यूज करते हैं तो दिस इज अबाउट द मेथडोलॉजी यूज फॉर चेकिंग द सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी टेस्टिंग ना हेयर यू कैन सी व्हाट शुड बी द स्ट्रेस कंडीशन रिक्वायर और यूज इन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी असेसमेंट तो हेयर यू कैन सी वन साइड इज टेस्ट और अनदर साइड कंडीशंस हैं तो अगर हम सॉलिड की टेस्ट कर रहे हैं किसी भी सॉलिड रॉ मटेरियल्स या फिर सॉलिड एक्सीपियंस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो पैरामीटर्स देख रहे हैं तो वो फर्स्ट इज योर हीट नेक्स्ट है मॉइस्चर अपटेक और द फिजिकल स्ट्रेस और पर्टिकुलरली इन कंडीशंस पे हमें अपने स्टेबिलिटी को चेक करना है तो हीट के लिए 420 ट्वेंटी एंड सो ऑन रिफ्रैक्टिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक देखना है अगर हम मॉइस्चर अपटेक की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली ऐसे थर्टी टू नाइन्टी परसेंट तक देख सकते हैं नेक्स्ट हम फिजिकल स्ट्रेस की बात करें तो बॉल मिलिंग की यू कंडीशन है नेक्स्ट एक्व सोल्यूशन के लिए पी लाइट और ऑक्सीडेशन के टेस्ट करेंगे तो उसकी कंडीशन हेयर यू कैन सी इन द पर्टिकुलर योर फ्लो चार्ट तो आप इस चार्ट में पर्टिकुलरली कंडीशन एंड टेस्ट देख के स्टेबिलिटी टेस्टिंग को बाय द सॉल्यूशन स्टेट की देख सकते हैं ना हेयर वी कैन सी सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी तो क्या होती है सॉलिड स्टडीज स्टेट स्टेबिलिटी इसको हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम देख लेते हैं तो जो सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी होता है बेसिकली इट ये आइडेंटिफाई करता है कंपैटिबल एक्सीपिएंट्स फॉर फॉर्मुलेशन नेक्स्ट इससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और हम आइडेंटिफाई कर देख सकते हैं कि कौन क्या सुटेबल स्टेब स्टोरेज कंडीशन और स्टेबल स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करना है किसी भी सॉलिड के लिए तो दिस स्टडी रिक्वायर रिपीटेटिव टेस्टिंग ऑफ इनिशियल बल्क लॉट इन पार्लर विद न्यू बर्क लॉट इससे हमें आ, कोई भी अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें अगर इनिशियल बल्क में हमें लॉट में पता चल जाएगा किसी भी तरीके के टेस्ट अगर हम इनिशियल बर्क लॉट में पता कर लेंगे तो न्यू बर्क लॉक से उसको कंपेयर कर लेंगे नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट इज़ स्लोअर एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट देन सोल्यूशन सॉलिड स्टेट थोड़ा सा स्लो होता है एनालाइज करने के कंपैरेटिवली सॉल्यूशन तो में तो सॉल्यूशन में इजीली हो जाता है और सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है फॉर एनालाइजिंग स्टेबिलिटी ना हेयर सी सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी को टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है तो उसमें हम सबसे पहले वेट करते हैं वेट क्वांटिटी ऑफ सैंपल प्लेस करते हैं हम कहाँ पे स्क्रू कैप वॉल्स वॉल्स में प्लेस करते हैं नेक्स्ट हम करते हैं इस इसको हम एक्सपोज कर देंगे टू वेरियस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड लाइट अप टू ट्वेल्व वीक तक तो इस तरीके से हम सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी को टेस्ट करेंगे तो बेसिकली एक ये प्रोसीजर है और उसके अलावा हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी स्टडी के लिए तो फर्स्ट है इज़ योर सॉलिड स्टेट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नेक्स्ट है हम देख सकते हैं पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन नेक्स्ट इज योर एफ टी आई आर डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरोमेट्री और नेक्स्ट है हम थर्मोग्रामोमेट्रिक एनालिसिस से हम सॉलिड स्टेबिलिटी की टेस्टिंग कर सकते हैं ना हेयर वी कैन सी नेक्स्ट वन इज योर कम्पैटबिलिटी और कंपेटिबिलिटी में हम ड्रग एक्सीपिय कम्पैटिबिलिटी चेक करेंगे तो ड्रग एक्सीपिय कम्पैटबिलिटी का मतलब है ड्रग की एक्सीपियट्स के साथ हम कम्पैटिबिलिटी की टेस्टिंग कैसे करेंगे और स्टेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो चलिए देख लेते हैं द नॉलेज ऑफ द ड्रग एक्सीपियन ड्रैक्शन इज़ यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्सीपियट अगर हमें एक कभार हम प्री फॉमुलेसन स्टडी कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन सा ड्रग और कौन सा एक्सीपिएंट आपस में कंपेटिबल है तो इससे हमें एक अप्रोप्रिएट एक एक्सीपिएंट्स का पता चल जाएगा और जिससे हम एक बेस्ट फॉर्मूलेशन बना सकते हैं और जिसकी सेल्फ लाइफ भी लॉन्ग लास्टिंग हो तो अगर एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो फिर किसी भी ब्रांच में प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट है कम्पैटिबिलिटी टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन स्टडी ऑफ ओरल डोसेज फॉर्म ड्रग अगर हम अगर हम ओरल डोसेज फॉर्म की ड्रग की बात करते हैं और किसी भी डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली ओरल डोसेज फॉर्म के लिए कम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग करना बहुत ही मैंडेटरी और यूजफुल है नेक्स्ट है एंड इनकम्पैटिबिलिटी इन द डोसेज फॉर्म कैन रिजल्ट इन एनी टाइप ऑफ फॉलोइंग चेंज अगर किसी भी डोसेज फॉर्म में ड्रग एंड एक्सीपिय की इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है तो उससे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं तो फर्स्ट इज चेंज इन ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज डिजोल्यूशन प्रिफ्रेंस नेक्स्ट है फिजिकल फॉर्म कन्वर्जन नेक्स्ट है डिक्रीज पोटेंसी। अगर किसी भी एक्सीपिय और ड्रग की आपस में कंपेटिबलिटी नहीं बनती है तो फॉलोइंग चेंजेस हम देख सकते हैं कि किसी भी टाइप के डोसेज फॉर्म में ना है। ना हेयर वी कैन सी वट इज़ द मैथड बिहाइंड हम कैसे चेक कर सकते हैं कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग एक्सीपिय स्टेबिलिटी तो इसके लिए हम क्या करेंगे ड्रग लेंगे सबसे पहले और कोई भी एक्सीपिय लेंगे जो हमें एक्चुअली में हम कंपेटिबिलिटी टेस्ट जिसके साथ देख रहे हैं तो वन इज टू वन का रेशियो रखेंगे ड्रग का वन पार्ट और एक का वन पार्ट फिर हम क्या करेंगे पाउडर सैंपल डिस्पर्ड इन टू ग्लास एम्प्यूल्स ग्लास एम्प्यूल्स में पर्टिकुलर पाउडर सैंपल सैम्पल को लेंगे और उसमें डिस्पर्स करेंगे नेक्स्ट है वन एम्प्यूल एंड वन एम्प्यूल बेसिकली सैंपल और वाटर का वन एंड वन एम्प्यूल लेंगे नेक्स्ट हम इसको हम स्टोर करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको हम एनालाइज करेंगे इन इमर्शन ऑफ द स्टडीज इंक्लूड मेजरिंग द क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन ऑफ द फॉर्मोलेशन अगर हम इस इमर्शन की बात करते हैं तो किसमें क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे फार्मोलेशन के नेक्स्ट है फॉर ओरल यूज प्रिपरेशन कंपेटिबिलिटी ऑफ इन्ग्रीडियंट अगर हम ओरल यूज़ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इथेनॉल ग्लीसरीन सिरप सुक्रोज एंड बफर प्रिजर्वेटिवस के साथ टेस्टिंग करेंगे इंग्रेडिएंट्स की तो दिस इज़ अबाउट द कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग यू कैन सी द फ्लो चार्ट कैसे हम पर्टिकुलरली स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे ड्रग और एक्सीपेंट की तो बेसिकली हम uh, आपको पता ही ड्रग और एक्सीपियी परसेंट मिक्सचर लेंगे उसके बाद इंट्रैक्शन और नो इंट्रैक्शन की कंडीशन देखेंगे फिर उसके बाद अगर टीएलसी के प्रोसेस करेंगे अगर रिकमेंडेड uh, एक्सपीपियंस लेंगे उसके साथ अगर प्रोसेस नहीं होती है तो सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन होता है तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे और यस yes के साथ आगे बढ़ेंगे और अल्टरनेट एक्सपीपियंस लेके फिर से इस फ्लो तो चार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो जब हमें पर्टिकुलरली पता चल जाता है तो वहाँ पर स्टॉप कर देंगे अदरवाइज़ uh, जिस भी एक्सपीपियंस की रिक्वायर है उसके साथ हम टेस्टिंग कंटिन्यू रखेंगे अंटिल वी गेट अ फाइनल रिजल्ट नेक्स्ट है एनालिटिकल टेक्निक्स है जिससे हम ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं तो इसमें फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री नेक्स्ट है आपका एफटीआईआर टीएलसी एचपीएलसी और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी नाउ हियर वी कैन सी द स्टेबिलिटी स्टडीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अगर हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं तो उनकी स्टेबिलिटी इफेक्ट पे कैसे और कब इम्पैक्ट पड़ सकता है हेयर वी कैन सी दिस तो फर्स्ट इज योर टैबलेट टैबलेट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे तो टैबलेट बेसिकली स्टेबल टैबलेट देयर ओरिजिनल साइज अगर कोई भी टैबलेट स्टेबल है तो वो उसकी ओरिजिनल साइज उसकी कंडीशन में रहेगी शेप भी प्रॉपर रहेगा वेट रफनेस किसी भी तरीके की वेरिएशन नहीं आएगा और नॉर्मली हैंडलिंग करेंगे उस स्टोरेज कंडीशन में रखेंगे और उसका शेल्फ लाइफ तक उसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी ठीक है तो फ्रिएबिलिटी टेस्टिंग में क्या इम्पैक्ट होगा इससे क्या होगा फिजिकल इनस्टेबिलिटी अगर होगी टैबलेट में तो फ्रेबिलिटी टेस्ट में कुछ लॉस होगा वन परसेंट का तो वो हम फ्रेबिलिटी टेस्ट से पता कर लेंगे नेक्स्ट है हार्डनेस टेस्टिंग इ, इट इट विल शो द क्रशिंग क्रशिंग और रेजिस्टेंस टू अगर हार्डनेस टेस्ट हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम देखेंगे कलर स्टेबिलिटी कलर स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम कलरी मीटर यूज करेंगे और रिफ्लेक्टोमीटर यूज करेंगे नेक्स्ट हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट ओडर, टेक्स्चर ड्रग मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कैन अफेक्ट ड्यूरिंग स्टडी ऑफ टैबलेट टेस्ट दिस इज अबाउट द टैबलेट स्टेबिलिटी नेक्स्ट हम जिलेटिन कैप्सूल की बात करते हैं तो जिलेटिन कैप्सूल की अगर हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो बेसिकली इसको टेस्ट करते हैं अगर हम जिलेटिन कैप्सूल बनाने वाले हैं तो उसके पहले भी उसकी प्री फॉर्मूलेशन स्टडी कर लेना चाहिए ताकि जो हमारा ड्रग है जो कैप्सूल है वो शेल्फ लाइफ तक ड्यूरेबल रहे ठीक है तो इसके लिए हम जिलेटिन की कैप्सूल की भी स्टेबल स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें उसका आ, कौन से कंडीशन में रखना है कौन किस में ग्लास में स्टोर करना है ठीक है तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ठीक है इट शोज़ द जिलेटिन कैप्सूल आर लार्जली अफेक्ट बाय जो जिलेटिन कैप्सूल होती है बेसिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं बाय द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन की वजह से जो सॉफ्ट जिलेटिन अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं तो उसके लिए ह्यूमिडिटी होती है ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट बेसिकली होनी चाहिए नेक्स्ट हार्ट जिलेटिन कैप्सूल में बेसिकली थर्टीन टू सिक्सटीन परसेंट मॉइस्चर कंटेन करती है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो कैप्सूल आर टेस्टेड फॉर ब्रिटलनेस डिजॉल्यूशन वाटर कंटेंट एंड लेवल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन नेक्स्ट अगर हम इमल्शन की भी बात करते हैं तो इमल्शन का भी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं ताकि हमारा एक अच्छा स्टेबल इमल्शन हमें स्टोरेज कंडीशन पे भी मिले हो, उसके pH, और उसके फेज में सेपरेशन ना हो उसकी पीएच विस्कोसिटी और माइक्रोबियल अटैक ना हो इसलिए हम इस इमल्शन में भी टेस्टिंग करते हैं सेम लाइक like अगर हम ओरल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्लैरिटी टेस्ट पी एच माइक्रोबियल कंटामिनेशन के लिए भी देखते हैं ठीक है तो दिस इज़ अबाउट द ओरल एंड सस्पेंशन और उसके साथ उसके हम मीन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब भी कंसीडर करते हैं नेक्स्ट हम टॉपिकल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन शुड भी एवेलुएटेड फ्लॉग क्लैरिटी होमेजिनिटी पी एच लोशन कंसिस्टेंसी एंड विस्कॉसिटी पार्टिकल साइज तो बेटिकली हम टॉपिकल प्रिपरेशन में भी हम टेस्टिंग करते हैं ताकि हमारा कोई भी प्रिपरेशन अगर हम ऑइंटमेंट की बात करते हैं जेल की बात करते हैं क्रीम की बात करते हैं तो ये टॉपिकल प्रिपरेशन की भी अगर हमें स्टेबिलिटी कंडीशन पता है तो हमें उसका एक स्टोरेज कंडीशन भी हम ऑप्टेन कर सकते हैं तो बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं लाइक फिजिकल केमिकल एंड द टॉक्सिकोलॉजिकल तो दिस कैन बी आइडेंटिफाई ना हेयर यू कैन सी अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी लाइक अगर हम ऑपथेल्मिक और ओटिक प्रिपरेशन बनाने जा रहे हैं तो उसकी भी स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं नेक्स्ट सपोजिटरीज का भी सॉफ्टनिंग रेज एंड डिसोल्यूशन टाइम चेक करते हैं नेक्स्ट पैरेंटल की बात करें तो उसमें भी हम कलर्स क्लैरिटी टेस्ट पीएच स्टेबिलिटी पैरोजन टेस्ट करते हैं ठीक है स्टेबिलिटी एनालिसिस होता है पाउडर का इंजेक्शन सोल्यूशन का मॉनिटर होता है टाइम वाटर कंटेंट ऑल दिज एंड द रेगुलर इंटरवल पे हम स्टेबिलिटी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं अगर हम पैरेंट्रल की बात नेक्स्ट इज़ योर नेजल स्प्रे नेजल स्प्रे में आपके कौन कौन सी सॉल्यूशन बनते हैं नेजल स्प्रे के और द सस्पेंशन बनते हैं तो इसकी भी हम क्लैरिटी टेस्टिंग माइक्रोबिकल कंटामिनेशन यूनिफॉर्मिटी वेट लॉस यूनिट स्प्रे मेडिकेशन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑल दिस पैरामीटर्स की स्टेबिलिटी तय करते ताकि हमें अपने ड्रग का स्टेबल और द शेल्फ लाइफ पता चल जाए नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोपिक इवालुएशन करते हैं अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं अगर हम नेजल स्प्रे बना रहे हैं तो हम इसके लीचेबल टेस्ट करते हैं ठीक है कंपोनेंट ऑफ कंटेनर क्लोजल एंड पम्प्स इन सब की भी स्टडी करते हैं ताकि हमें फिजिकल केमिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल किसी भी तरह के अपीयरेंस और डिग्रेडेशन या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल या फिर कोई भी तरह का एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दिस इज अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्टेबिलिटी टेस्टिंग सो हेयर आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर थैंक यू सो मच ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज